नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहां पर आज बंगाल के जो डॉक्टर्स हैं उनका ज्वाइंट फोरम और दिल्ली में जो डॉक्टर्स का एक फेडरेशन है उसने एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जो बीते दिनों जो आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई थी उसके खिलाफ, और इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है निर्भया हुई थी, निर्भया से लेकर अभिया तक आ गए हैं, लेकिन महिला सुरक्षा कहाँ है? महिला सुरक्षा का सवाल खासतौर पर डॉक्टर जिस अस्पताल में काम कर रही है 24 घंटे रहती है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो मरीजों के साथ वो कैसे न्याय करेगी, उनके इलाज कैसे करे, इस सवाल को ये लोग चिंतित हैं। और डॉक्टरों ने यहाँ पर जो बंगाल सरकार ने एक नया एंटी रेप बिल लाई है, विधानसभा से पास किया है, उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा हमारे देश में बिल की कमी नहीं है लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी है, क्योंकि सरकारें जो वर्तमान कानून है उसको भी ठीक से लागू नहीं करना चाहती, तो एक और नया कानून ला के उससे क्या होगा। इसके साथ डॉक्टरों ने बंगाल में हेल्थ केयर के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं, और इनकी एक साफ मांग है जो डॉक्टर जो है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और आरजी कर में जिस तरह से जो घटना हुई है उसमें जो भी कल्पित है चाहे वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है चाहे इनडायरेक्ट है उन पर कार्रवाई की जाए, और कैपिटल पनिशमेंट की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। सुनिए इस पूरी बातचीत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टरों ने क्या कहा है, उनकी सरकारों से क्या मांग है। हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं ये दिखाने के लिए कि किन परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं होती हैं, अचानक नहीं होती हैं, कुछ न कुछ हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे ब्यूरोक्रेसी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, तब जाके ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जिसमें एक महिला डॉक्टर या कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए अपने वर्क प्लेस पे शिकार बन जाए किसी भेड़िए की, जहाँ पे उसको पूरा भरोसा था उसके साथ कुछ नहीं होगा। ये जो बड़बड़ी घटना हुई आरजी कर में, इसने पूरी मानवता को शर्मिंदा किया है। और ये जो घटना है ये सिर्फ एक डॉक्टर की सुरक्षा का मामला नहीं था, ये एक महिला सुरक्षा का, एक सभ्य नागरिक की सुरक्षा का मामला था। मतलब ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर, आप सोचिए एक रेजिडेंट के लिए अस्पताल ही उसका घर होता है। तो हम अभी तक सड़कों पे रात में चलने में डरते थे, बाहर हम निकलने में डरते थे, बट अब हम घर में भी डर रहे। तो एक महिला होने के नाते हम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब इस मानसिक स्थिति में आप बताइए कोई भी कैसे काम करेगा। और एक डॉक्टर होने के लिए आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से साउंड होनी चाहिए ताकि आप पेशेंट्स को अच्छे से इलाज कर सकें, बट इस स्थिति में जब आप डरे हुए हैं, क्योंकि मैं बता दूं जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन ही मेरी नाइट ड्यूटी थी, 24 आवर्स ड्यूटी थी, तो मैं जिस ड्यूटी डॉक्टर रूम में रोज़ थोड़ा रेस्ट करती थी टाइम मिलने पर, उस दिन मैं उसमें रेस्ट करने नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो हमें सोचना पड़ेगा कि समाज के तौर पर हम कहाँ पहुँच गए हैं और सरकार आखिर क्या कर रही है। सिस्टम का ये कितना बड़ा फेलियर है कि आप अपने एक प्रीमियर सिटी में, कोलकाता जैसे सिटी में, एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप अपने ऑन ड्यूटी डॉक्टर को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो आप कहते हैं कि आप गांव में जाके सेवा दो। तो बताइए कि हम कैसे अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। और वही नहीं, मामला ये भी है कि सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, जिस अस्पताल में डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है क्या वहाँ उसके मरीज सेफ हैं? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप उस अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहेंगे जहाँ पे आपकी ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है। जब से ये घटना घटी थी तब से लेकर के अभी तक रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डर में हैं और महसूस कर रहे थे कि घटना ऐसी जगह पर हुई जो हम लोगों का घर होता है। हम लोग 24 घंटे अस्पताल में रहते हैं, वहीं पर सीखते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर बर्थडे मना लेते हैं, वहीं पर दोस्तों के साथ पार्टी भी कर लेते हैं और वहीं पर हम सो भी जाते हैं, थक जाते हैं अपनी उल्टी करके। तो हमारे लिए वो एक ऐसी मर्मर घटना है कि हमें घर में घुस करके किसी ने ना सिर्फ हमारे पूरे की पूरी हमारी बहन को तोड़ दिया, बल्कि हमारे सारे जो अंदर जो फीलिंग होती है, जो हमारे दिल की मनोभावना होती है कि मरीज़ की सेवा करनी है, देश को आगे ले जाना है, उस सारे के सारे भाव को तोड़ दिया। एक डर का माहौल बन गया। आखिरकार जब बच्चे एग्ज़ाम लेते हैं तो पैन इंडिया एग्ज़ाम होता है, कोई बच्चा कहीं से कहीं जाता है, या ये हो सकता है कि दिल्ली की कोई बेटी चेन्नई में पढ़ रही हो, चेन्नई की कोई बेटी कोलकाता में पढ़ रही हो। ऐसे में अस्पतालों में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और जो उसके साथ जो हुआ और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रवैया अपनाया, जिस तरह से अस्पताल प्रशासन ने कहा कि खुदकुशी की गई है, FIR जो दर्ज हुआ वो अननेचुरल डेथ में हुआ,
क्रिमेशन बहुत अर्जेंसी में किया गया, पोस्टमार्टम में बहुत सारी दिक्कतें आईं, डॉक्टरों को सड़क पर बैठना पड़ा, और मैं आज आप लोगों के माध्यम से बंगाल के सभी डॉक्टर्स को हाथ जोड़ के बताता हूं कि हम लोग आप पे फक्र करते हैं कि आप लोगों ने आज तक वहां पर इतने प्रेशर होने के बाद भी जमीन से हटे नहीं, जमीन पे जुड़े हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का एक ही मकसद है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, कि अभाया को इंसाफ दिलाना है। ये तो जो हालात है बहुत सीरियस इशू है। गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है पर्टिकुलरली जिस तरह से इस सारे मामले को इंटरफेयर करके डिले करने का प्रयास किया गया वो बहुत ही विचारणीय बात है। सोसाइटी के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम डॉक्टर यदि सेफ अपने ही खुद नहीं फील कर रहे तो समाज को क्या देंगे। मेंटल ट्रॉमा तो ऐसा है कि बीच में मतलब रात को ऐसा होता था कि नींद खुल जा रही थी, मतलब शुरू शुरू में कि क्या हो रहा है, और मतलब मेरी एक फ्रेंड तो दो तीन दिन से वो सो नहीं पाई। और नाइट ड्यूटी जब आप करने जा रहे हैं तो उस समय आपको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने में या फिर अपने ड्यूटी डॉक्टर रूम में रेस्ट करने में भी आपको वो सब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो चीज़ें चल रही हैं, तो उस मेंटल स्टेट में काम करना भी मुश्किल है। तो बीइंग अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक महिला होने के नाते जो है वो हमें मतलब अंदर से इस दुर्घटना जो है झकझोर दिया है। क्योंकि पहले आप क्या बोलते थे, आप अपनी बहू बेटियों को यही बोलते हैं ना कि भाई घर से बाहर रात को मत निकलो या फिर ऐसे सेफ जगह पे रहो। तो ये सेफ जगह था ना अस्पताल, तो सेफ जगह एक डॉक्टर के लिए घर है अस्पताल उसका, अगर घर में इस तरह की हिंसा की वारदात हो रही है तो बताइए हम कहाँ जाएं, आखिर महिलाएँ जाएँ तो जाएँ कहाँ। एक टास्क फोर्स बनाने का बात चल रहा है, टास्क फोर्स है कि उसमें डिफरेंट टाइप का एनएमसी का भी गाइडलाइंस आया है कि भाई कैमरा लगाना है डिफरेंट एरिया में, कुछ प्रोटोकॉल बना रहा है। और हम लोगों ने एनएमसी से डिमांड किया था कि आप ये डिसाइड करो मेडिकल कॉलेज जिस समय रिकॉग्नाइज होता है उस समय डिसाइड करो कैसे सिक्योरिटी दिया जाएगा, उसके लिए क्या क्या आपका प्रोटोकॉल होगा जिसमें आपका कंसिडरेशन ऑफ एनएमसी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल कॉलेज। उसमें बहुत सारा पॉइंट आया अभी गवर्नमेंट का आया कि कैमरा लगाना है, सिक्योरिटी कितना देना है, सिक्योरिटी पर्सनल कैसा हो। जैसे मैंने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के तरफ से CISF का डिमांड किया था, उसके लाइन पे भी विचार हो रहा है, वहाँ तो दिया गया है लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल कॉलेज के लिए पर्टिकुलर जो बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उस तरह का सिक्योरिटी दिया। जो करप्शन का जो सिस्टम बने हुए बंगाल में ये, और शिक्षा दफ्तर आधे शिक्षा दफ्तर जेल में है, जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है उसका भी आधे मिनिस्टर को लेकर भी जेल में है, बहुत सारे नेताओं जेल में है, लेकिन ये हेल्थ डिपार्टमेंट में जो करप्शन हो रहा है पिछले कई साल से हमारा संगठन से हम कई से कई बार खत लिखे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हाईएस्ट पॉइंट में भी लिखे हैं, हम प्रेस मीट किया है, हम कोर्ट में भी PIL दाखिल किए हैं, लेकिन किसी का कोई कुछ नहीं सुने, कुछ नहीं नहीं किया। इसलिए हमने बोला था कि जितने जिस तरह का वो नेक्सस बने हुए, जिस तरह का क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रहा है मेडिकल कॉलेज का अंदर, कोई दिन कुछ ना कुछ हो ना जाए, तो आज तो हो ही गया है ना। और ये जो हुआ घटना जो हुआ 9 तारीख को घटना घटे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, इट वॉज अनअवॉइडेबल ऑफ ड्यू टू दिस criminal nexus, criminal activities. And आप अगर देखे तो घटना के पर जो कैस्केड ऑफ इवेंट्स जो मीडिया में आ गया ऑडियो विजुअल क्लिप्स, उसमें इस criminal nexus के जो जिन जिन इन्वॉल्व है उन लोगों का नाम आ गया, क्राइम सीन में उन लोगों को देखा गया, एविडेंस टैम्परिंग करने में उन लोगों का देखा गया, वीडियो में, वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया, तो ये दोनों तो कनेक्टेड है। तो कल्प्रिट तो डायरेक्ट भी हो सकता, इनडायरेक्ट भी हो सकता, जो साबूत मिटाना चाहता है वो भी क्रिमिनल है, तो उनको भी ढूंढना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, उनको भी सजा मिलना चाहिए, वही हमारे पास। तो मीडिया का ये आज कर्तव्य और धर्म है, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जितना ज्यादा इस मुद्दे को हो सकता है उसको बताइए, लोगों को सुनिश्चित करिए कि सारे के सारे लोग इस तरह के घटना में जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उनका इमीडिएट अरेस्ट हो, इमीडिएट उनका कन्विक्शन हो, और यदि बंगाल सरकार वहां पर हस्तक्षेप कर रही है जुडिशियरी में तो सारी की सारी केस दिल्ली में हो
और हम लोग सुनिश्चित करें कि ऐसा जो इस बार घटना घटी है वो कभी ना घटे, और जो हुआ है उसके लिए जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा हो, उससे कम में कुछ भी ना हो।